चुनाव ड्यूटी और विभागीय कार्यों में इन दिनों रात दिन लगे रहने वाले कर्मचारियों का इंदौर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में दूसरा ही रूप दिखाई दिया। तनावों से दूर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासकीय कर्मचारियों का दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। विभिन्न सरकारी विभागों के हजारों सरकारी कर्मचारी अपने परिवार सहित पहुंचे। कर्मचारियों के चेहरे पर न ही चुनाव ड्यूटी का तनाव था, न ही विभाग के कार्य की थकान। लंबे समय बाद एक स्थान पर मिले कर्मचारियों ने अपना दूसरा ही रूप दिखाया। कर्मचारियों ने भजनों और फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। उनका साथ महिला कर्मचारियों ने भी दिया। इस आयोजन का 16वां वर्ष है और इसका पर्पज कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारा शासकीय सेवकों का भी एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारे परिवार के लोग तो हम लोग एक दूसरे के शासकीय सेवक तो जानते हैं, बाकी हमारे परिवार के लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो इस आयोजन के होने से ये हो गया कि मेरे बच्चे भी दूसरों को जानते हैं और दूसरे के बच्चे भी मेरे को जानते हैं, और जब हम परिवार में जाते हैं तो हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है हाँ ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी हैं, नहीं तो हमको जाके बताना पड़ता था कि बेटे मैं हरीश बोयत हूँ, इस विभाग में हूँ, पापा को बताना। इस दौरान कार्यक्रम में माँ काली का भी अपने विकराल रूप में अवतरित हुई और कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पहुंचे कर्मचारियों को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष हरीश बोयत ने बताया कि कर्मचारियों में आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है।